दोस्तों इंडियन मार्केट में हमने बहुत सारे बाइक्स देखे हैं और उन बाइक्स में हमने टाइप्स भी देखे हैं, जैसे कि कम्यूटर बाइक, स्पोर्ट बाइक, टूरिंग बाइक और क्रूजिंग बाइक, पर हमने कभी स्क्रैम्बलर को नहीं देखा। और क्योंकि हमारे इंडिया में कभी कोई स्क्रैम्बलर बाइक उतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई है, और इसी सिचुएशन को अब हम चेंज करने वाले हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में एक ऐसी बाइक आई है जो कि स्क्रैम्बलर टाइप्स को बहुत ही बड़ा एक आयाम देगी। तो चलो चालू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि वो गाड़ी कौन सी है। पर उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा रिव्यू वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं आपके अपने पसंदीदा गाड़ियों के। तो दोस्तों ये वीडियो आखिर तक देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कीजिए एट द एंड तक देख के। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज हम जिस बाइक की बात कर रहे थे वो है दी हस्क्वर्ना स्वाट फिलन 250। इस बाइक की अगर कंपनी की बात की जाए तो ये स्वीडन से बिलोंग करती है और ये फाइनली इंडिया में आ चुकी है, और इसने बजाज के साथ टाइप करके इस बाइक को इंडियन मार्केट में लाया है। वैसे अगर आप इस बाइक को खरीदना चाहते हो तो आपको ये बाइक KTM के सारे शोरूम्स में अवेलेबल है। अगर इस बाइक को देखा जाए तो इसकी जो पूरी की पूरी डिज़ाइन है ये नियो रेट्रो डिज़ाइन है, और अगर इसके ओवरऑल डिज़ाइन को अगर देखें तो ये एक ऑफ रोडिंग बाइक की तरह भी परफॉर्म कर सकती है। और अगर इस बाइक के हम हेडलाइट को देखें तो वो भी एक रेट्रो लुकिंग है, राउंड शेप में है विथ LED DRLs, और इसके बाकी जो लाइट्स है जैसे कि इसके इंडिकेटर्स और टेल लाइट वो भी आपको एक LED के फीलिंग देंगे, वो भी LED आते हैं। और अगर इसके हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखें तो ये भी आपको रेट्रो लुक में मिलेगा, राउंड शेप में मिलेगा, और इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। और इसका जो हैंडल बार है वो KTM 250 और 200 से लिया गया है, बस आपको यहाँ पे एक एडिशनल रॉड मिलेगा जो कि इसको एक अलग लुक देगा। और अगर इसके हम टैंक को देखें तो यहाँ पे आपको 9.5 लीटर का टैंक मिलेगा जो कि एक यूनिक डिज़ाइन के साथ आता है। और अगर इसके सीट को देखें तो ये भी सिंगल सीट आती है और शॉर्ट आती है, इसके वजह से ऐसा होता है कि इसका जो रियर टायर है वो बाहर की तरफ एक्सटेंडेड हमें दिखाई देता है। और ये बाइक टोटली बहुत ही बढ़िया नियो रेट्रो लुक में आपको दिखाई देगी। और अगर इसके हैंडल बार को देखें तो ये अपराइट पोजीशन में आपको राइडिंग का जो एक्सपीरियंस होगा वो लॉन्ग जर्नीज में काफ़ी बढ़िया देगी। गाइज अगर इसके राइडिंग पोस्चर की बात करें तो आपको इसमें बहुत ही बढ़िया अपराइट पोजीशन का एक राइडिंग पोस्चर मिलेगा, और इसमें आपको राइडिंग जो मिलेगी वो स्मूथ और रफ रोड के कारण काफ़ी बढ़िया मिलेगी, क्योंकि इसमें जो सस्पेंशन और ये टायर्स इसमें जो ट्यून किए गए हैं वो दोनों तरह के रोड कंडीशंस के लिए बनाए गए हैं। और अगर इसके हम सामने वाले जो कि फ्रंट इसका सस्पेंशन है उसकी बात करें तो इसमें आपको 74mm का फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा जो कि अपसाइड डाउन है। और अगर इसके रियर में देखें तो इसमें आपको एक मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा। और अगर इसके हम डिस्क की ब्रेक की बात करें तो सामने आपको 320mm का एक डिस्क ब्रेक मिलेगा, और रियर में आपको 230mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा विथ बोथ एंड स्टैंडर्ड ABS भी आपको मिलेगा जो कि ड्यूअल चैनल में अवेलेबल। गाइज अगर इंजन की बात करें जो कि हर बाइक का दिल होता है वो इस बाइक में लिया गया है KTM Duke 250 से, और ये आपको काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। इनिशियल और मिड रेंज इसका काफ़ी बढ़िया है। इसमें आता है 249cc का इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 30 bhp की, और इसमें जो टॉर्क है वो है 24 Nm का जो कि बहुत ही बढ़िया आपको एक परफॉर्मेंस देगा। हालांकि इसका इनिशियल और मिडल रेंज काफ़ी बढ़िया है परफॉर्मेंस के हिसाब से, पर इसका जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है वो आपको थोड़ा माइल्ड दिखाई देगा। गाइज जब भी आप इसके हाई रेविंग कैपेसिटी के परफॉर्मेंस तक जाओगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा नहीं मतलब एक माइल्ड वाइब्रेशन आपको फील होगा। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा रेव करोगे तो आपके जो हैंडल बार है और फुट स्पेक्स है और साथ ही साथ इसकी जो टैंक है इस पर आपको वाइब्रेशंस फील होंगे, पर मेरे ख्याल से वाइब्रेशंस होना उतनी भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर हमें कोई राइडिंग का फील चाहिए, एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, तो थोड़े बहुत वाइब्रेशन होना अच्छी बात होती है। सो ये था इस बाइक के बारे में। आपको ये बाइक कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एक्चुअली इस बाइक को अगर देखें तो ये पूरी तरह से नई बाइक है इंडिया के लिए, और ये इंडियन रोड्स के हिसाब से भी बहुत ही बढ़िया बाइक होने वाली है। अगर आपको कोई स्क्रैम्बलर बाइक चाहिए और वो भी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली, तो ये बाइक सिर्फ आपके लिए बनी है। और गाइज अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग है 1.84 lakhs एक शोरूम दिल्ली, जो कि काफ़ी डिसेंट प्राइस है अगर आपको कोई स्क्रैम्बलर बाइक देखनी हो तो। और अगर इस बाइक के अगर कंपटीशन की बात करें तो इसमें आपको कंपटीशन मिलेगा डोमिनर 250, KTM Duke 250 एंड दिस CBR 250 जो कि मार्केट लीडर्स है। पर फिर भी मुझे लगता है कि ये बाइक अगर डिज़ाइन के हिसाब से देखी जाए तो इसको कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, क्योंकि
कोई और स्क्रैम्बलर बाइक आपको नहीं मिलेगी। आपको अगर मार्केट में दूसरी बाइक्स देखें तो आपको फेयर्ड बाइक्स के कंपैरिजन मिलेंगे, नेकेड बाइक्स के कंपैरिजन मिलेंगे, पर इसका कंपैरिजन आपको नहीं मिलेगा। एक यूनिक बाइक आपको 1.80 लाख में मिल जाएगी। और अगर इसके माइलेज की बात करें तो इसमें आपको सिटी माइलेज मिलेगा 32 km/h का, जबकि इसका हाईवे माइलेज है 35 km/h, जो कि काफ़ी डिसेंट माइलेज है। और इसको आप जब लॉन्ग जर्नीज में लेके जाओगे तो ये आपको ज़रा भी नाराज़ नहीं करेगी। आप हर तरह के रोड कंडीशंस पे पूरा का पूरा इंडिया भी इस पर घूम सकोगे। और गाइज, अगर इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें आपको 6 स्पीड का गेयरबॉक्स मिलेगा, जो कि काफ़ी स्मूथ है। आपको इसमें क्लच भी मिलेगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगा। सो गाइज, ये था रिव्यू अबाउट दी हस्क्वर्ना स्वाट विलन 250। आपको इस बाइक के बारे में क्या लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ अगर आपके कोई ओपिनियंस हो अबाउट दिस स्क्रैम्बलर टाइप तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो हमें आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि ये बाइक खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। और प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और बाय द वे, आई एम सूरज कोहली, और देखते रहिए फायर थ्रॉटल।